हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम इथमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स देखिए, यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका 2022 के संबंध में हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, सिलेबस में क्या क्या हो सकता है और मुख्य परीक्षा के लिए कितने छात्राओं को शॉर्टलिस्ट करेगा, और देखिए मुख्य परीक्षा कब तक हो सकती है और कुल कितने फॉर्म पड़े हैं, और देखिए शॉर्टलिस्ट के लिए कितना रह सकता है पीईटी का कट ऑफ, और कितने फॉर्म होंगे रिजेक्ट, किनके फार्म होंगे रिजेक्ट, इन सभी प्रमुख बिंदुओं पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। और आपको बता दें कि ऐसे ही लेटेस्ट आपको अगर आगे भी मुख्य सेविका के लिए चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही अपडेट समय समय पर आगे अपलोड किए जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या है कि सिलेबस जो इसका ऑफिशियल सिलेबस तो नहीं जारी किया गया है, लेकिन फिर भी देखिए इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट देखिए शामिल हो सकते हैं उसके संबंध में हम आपको बता दें कि देखिए जीके जीएस के लगभग जो है कि आपके देखिए 25 क्वेश्चन हो सकते हैं, वैसे ही देखिए हिंदी के 25 क्वेश्चन हो सकते हैं। बाकी देखिए जो बचे आपके सब्जेक्ट से जो गृह विज्ञान वगैरह के, वहाँ से देखिए आपके 50 क्वेश्चन यहाँ पर रह सकते हैं। ये देखिए केवल अनुमानित यहाँ पर जो है कि आपका सिलेबस, और देखिए यह भी हो सकता है कि इसमें देखिए जीके जीएस के 30 क्वेश्चन हो जाएं, वैसे ही देखिए हिंदी के 30 क्वेश्चन हो जाएं, और बाकी जो बचे 40 क्वेश्चन वो हो सकता है आपके कोर सब्जेक्ट से, जैसे जो गृह विज्ञान समाजशास्त्र है उससे हो जाएं। तो देखिए यह भी हो सकता है, और आपको देखिए क्या करना है कि फिलहाल आपको जीके जीएस और हिंदी और अपना जो सब्जेक्ट है उसको जो है कि आपको पढ़ते रहना है, और अभी जल्दी जैसे ही ऑफिशियल इसका सब्जेक्ट जो है कि सिलेबस जारी किया जाएगा वो आपको सबसे पहले यहाँ पर सूचना प्रोवाइड करने का प्रयास किया जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आगे ऐसे ही अपडेट आपको मुख्य सेविका के लिए मिलते रहेंगे। और देखिए जो पदों की संख्या की बात करें तो आपको पहले ही बताया गया था, पहले इसके संबंध में वीडियो बनाया जा चुका है कि 2693 इसके लिए पद हैं, और इसके लिए देखिए शॉर्टलिस्ट जैसा कि नोटिस में दिया गया कि 15 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पर शॉर्टलिस्ट करेगा, और जब इसका 15 गुना जब आप करेंगे तो 40395 यानी कि करीब करीब जो है 40,000 कैंडिडेट को देखिए यहाँ पर शॉर्टलिस्ट करेगा, और इतने कैंडिडेट जो है कि मुख्य परीक्षा के लिए एग्जाम देने वाले हैं। तो हो सकता है कि 40,000 कैंडिडेट मिले भी ना, वो तो सब्जेक्ट पर डिपेंड है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट, बहुत कम ही कैंडिडेट के पास यह सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट इसमें दिया गया है कोर सब्जेक्ट वो यहाँ पर जो है कि ग्रेजुएशन में वो यहाँ पर लिए हुए हैं। और देखिए मुख्य परीक्षा की बात करें तो देखिए मुख्य परीक्षा कब तक हो सकती है, तो देखिए यहाँ पर जब भी शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कैंडिडेट को, जैसे ही शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उसके लगभग 2 महीने बाद ही आपके जो यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, उससे पहले नहीं हो सकता है, क्योंकि यहीं लेखपाल के एग्जाम में भी देखा गया यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल के एग्जाम में कि जब वहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया गया था कैंडिडेट को, उसके बाद यहाँ पर 2 महीने का इनको समय दिया गया था किया, उसके बाद जो कि 2 महीने बाद इसके एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट कराए गए थे। और देखिए फिर भी जो है कि आपके जो परीक्षा की संभावना जो है वो नवंबर के आसपास है, जो कि अगर आपकी परीक्षा जो है कि नवंबर के आसपास हो सकती है, क्योंकि अक्टूबर में आपके जो है कि पेट के एग्जाम होने वाले हैं, तो उस समय कोई भी इस जो ऐसी कोई मुख्य परीक्षा यहाँ पर नहीं होने वाली है, नवंबर में ही पूरी पूरी संभावना है कि आपके एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट कराए जाएँ। और देखिए यहाँ पर बात उठती है कि कुल कितने फार्म यहाँ पर भरे गए, तो इसका देखिए कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है, जो लोग भी बता रहे हैं वो समझिए एकदम पूरी तरह सरासर गलत बता रहे हैं, क्योंकि इसके लिए देखिए कोई ऑफिशियल रूप से जैसे कि जो कि मीडिया के माध्यम से ही जानकारी मिल पाती है कि यूपी ट्रिपल एससी आयोग के इस वैकेंसी में कितने फार्म भरे गए हैं, तो अभी तक वहाँ पर कोई मीडिया वाला पहुँचा नहीं है, जिससे कि अभी तक ऐसी कोई जानकारी बाहर नहीं निकल पाई है कि आपके कितने फार्म यहाँ पर फिल किए गए हैं। और फिर भी जितने भी जो भी लोग इसके संबंध में बता रहे हैं जानकारी, वो समझिए सरासर गलत है, उन पर आप भरोसा मत करिएगा, क्योंकि वो लोग बता रहे हैं कि इतने फार्म भरे गए, इतने फार्म भरे गए, तो जिससे कि आप घबराहट की स्थिति में उत्पन्न हो जा रही है, आप ऐसा उनके बात पर विश्वास मत करिएगा। जैसे ही आपके ऐसी कोई यहाँ पर मीडिया के माध्यम से कोई जानकारी मिलती है तो वो सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से सूचना प्रोवाइड करने का यहाँ पर प्रयास किया जाएगा। और देखिए अब बात उठती है कि शॉर्टलिस्ट के लिए कितना रह सकता है कट ऑफ, तो देखिए पीईटी 2021 में बहुत सारे कम कैंडिडेट ही यहाँ पर अवेयर थे, और जिन्होंने यहाँ पर पीईटी 2021 का एग्जाम दिया था फॉर्म भरने के बाद, और लगभग देखिए 17 लाख जो है कि फॉर्म इसके लिए फिल किए गए थे, और इतने कैंडिडेट यहाँ पर एग्जाम दिए थे, और इस बार तो लगभग जो है कि 37 लाख फॉर्म पड़े हैं, तो लगभग दोगुना से भी ज़्यादा इस बार फॉर्म पड़े हैं, तो इस बार ज़्यादा लोग अवेयर हैं, और पिछली बार उतना ज़्यादा लोगों का अवेयरनेस नहीं था। बाकी ग्रेजुएशन वाले तो वैसे ही पीईटी का फॉर्म नहीं फिल किए थे कि क्या पीईटी को भरना है और कौन सा जो है कि जॉब करना है, लेकिन यहाँ पर देखिए इतनी अच्छी वैकेंसी आप लोगों के लिए आ चुकी है मुख्य सेविका की कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पर पीईटी 2021 में अपना फॉर्म फिलअप किया था तो वो देखिए समझिए एलिजिबल है। और आपको बता दें कि अगर यूआर में और अगर ओबीसी आप कैंडिडेट हैं तो समझिए कि अगर आपके 5 से 10 नंबर भी, जी हाँ, अगर आपके 5 से 10 नंबर भी पीईटी में हैं तो समझिए कि आप क्वालिफाई हैं इस मुख्य परीक्षा के एग्जाम के लिए।
और वहीं अगर आप EWS कैंडिडेट हैं या फिर SC ST कैंडिडेट हैं तो आप जो है केवल फॉर्म भर दिए हैं और पॉजिटिव मार्क्स अगर आपके केवल आए, यानी कि जीरो मार्क्स ना हो, जीरो से ज़्यादा आपके कुछ भी मार्क्स हो, 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी मार्क्स हों, तो आप जो है कि मुख्य परीक्षा के लिए यहाँ पर एलिजिबल हैं। क्योंकि आपने देखा था कि UP SSC NM में ऐसा ही देखा गया था, और जितने भी उसमें पॉजिटिव जो कि पेट में जितने भी पॉजिटिव मार्क्स आए थे वो सभी लोग जो है कि यहाँ पर ANM के मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए थे। और हो सकता है कि इसमें थोड़े ज़्यादा कैंडिडेट मिल जाएं, लेकिन फिर भी उतने ज़्यादा इसमें भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि इस सब्जेक्ट से बहुत कम ही ग्रेजुएशन करने वाले लोग यहाँ पर मिले हैं। और जो अगर मिले भी हैं तो वो उन्होंने यहाँ पर देखे PET का फॉर्म ही नहीं फिलअप किया था। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट आपकी जानकारी में भी होंगे और हमारी भी जानकारी में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं। और देखिए, अब बात उठते कि किनके फॉर्म होंगे रिजेक्ट। तो देखिए, जितने भी BTC और BEd और DLED के कैंडिडेट हैं उनके देखिए सभी लोगों के फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो है कि अपने नोटिस में उन्होंने ऐसा कहा था कि BTC, BEd और DLED के कैंडिडेट यहाँ पर नहीं होने चाहिए। और इसी के संबंध में देखिए आगे आपको बता दें तो देखिए फ्रेंड्स, ये रही आज की बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट मुख्य सेविका से रिलेटेड। आपको आगे भी ऐसे ही समय समय पर सूचना प्रोवाइड किया जाएगा। और इसके स्टडी मटेरियल की बात करें तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, और जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है एग्जाम विथ मी, अगर आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो हमारा जो है कि ऐसे ही सिंबल जो हमारे चैनल का है वो शो होगा, तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी चैनल से हमारे जुड़िए, और वहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल जो है वो समय समय पर प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी फ्री में। तो आप जो है कि जुड़िए, और अधिक से अधिक अपने मित्रों को भी इससे जुड़िए, जिससे कि उनको इस स्टडी मटेरियल का लाभ यहां पर मिल सके। जैसे देखिए ऑफिशियल सिलेबस जारी किया जाएगा, आपको इसके संबंध में सूचना चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि जैसे ही यहां पर जो कि आपकी जो भी सूचना मुख्य सेविका से रिलेटेड होगी तुरंत आपको चैनल पर अपलोड किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।